कोविड-19 वैश्विक महामारी की अब तक 25,000 से अधिक लोगों की जांच के बाद जिले में 1,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से अपील किया है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अस्पतालों में इलाज कराने आए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण इलाज कराने में फिजिकल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा जो भी लोग अपने निजी कार्यों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं वह हाथों की साफ सफाई, मास्क के उपयोग और 2 गज की दूरी का अवश्य ध्यान रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, कोविड के केसेस क्योंकि हमने जांच बहुत अधिक बढ़ा रखी है, 25,000 से ज़्यादा जांच हम कर चुके हैं और उसी तरह केसेस की पॉजिटिविटी भी काफ़ी हुई है। अभी हमारी एंटीजन टेस्टिंग भी चल रही है जो कि तुरंत रिजल्ट दे देती है। इस वक्त लगभग 1,550 से 1,600 लोग ग्रसित हो गए हैं और उसमें से आधे से अधिक ठीक हो के जा भी चुके हैं। अब इस समय वर्तमान में तकरीबन 800 लोग एक्टिव केसेस बचे हैं, जिनमें से कि अब होम क्वारंटाइन भी हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं है और जिनको एक अलग से कमरा उनके घर में उपलब्ध है, टॉयलेट उपलब्ध है। हमारी टीमें डिसाइड करती हैं कि किसको हम होम क्वारंटाइन में भेजें, किसको L1 फैसिलिटी में भेजें, किसको L2 में जाने की ज़रूरत है, किसको L3 में जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से केसेस मैनेज हो रहे हैं। केसेस की संख्या अवश्य ही बढ़ी है और हम जांचें भी बढ़ा रहे हैं ताकि जिस किसी के भी ये वायरस है वो जल्दी पकड़ में आ जाए और हम उस चेन को तोड़ सकें जो उससे फिर दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को फैल रहा है। एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में वहाँ ई ऑफिस में बना हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ से 8 लोग लगाए गए हैं, जो 6 लोग तो सिर्फ ये काम करते हैं कि कौन केस आया और उसके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स से बात करके उनकी सैम्पलिंग का प्राविधान करते हैं। दूसरी टीम हमारी लगी हुई है जो ये डिसाइड करने के लिए, जिसमें चिकित्सक हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जब पॉजिटिव केसेस की लिस्ट हम उन्हें दे देते हैं तो हर एक से कॉल करते हैं, उनको होम क्वारंटाइन के नियम बताते हैं, उनका हालचाल इस बात के लिए भी लेते हैं कि क्या उन्हें घर पे रहने दिया जाना चाहिए या उन्हें L1 में लाना चाहिए, या अगर उन गंभीर हो रहे हैं तो L2 या L3 में लाना चाहिए। तो ये दोनों तरह की टीमें वहाँ काम कर रही हैं और होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों से ये लोग प्रतिदिन 2 बार कम से कम फ़ोन करके बात भी करते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। और उनके आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कराया गया है, उसको अपडेट करने को भी कहा जाता है। जिले में काफ़ी संख्या बढ़ी है कोरोना के मरीजों की, तो ऐसे में लोग क्या निर्माण से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, इस बीमारी का कोई अभी टीका सटीक नहीं निकला है, कोई इलाज भी सटीक नहीं निकला, तो जो हम बचाव करें वही हमें बचा सकता है। कोई नहीं जानता कि कौन आदमी पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, बिना हाथ धोए अपने मुंह और नाक को ना छुएं, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, अनावश्यक यात्राएं ना करें, अस्पताल भी आएँ तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अटेंडेंट बन के ना आएँ क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा रहता है। जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए वो भी अपने घरों में ही रहें तो सुरक्षित रहेंगे। गोरखपुर में हर चीज़ होम डिलीवरी से मिल रही है, इसलिए बाहर कम निकलें और निकलें भी तो आवश्यक कार्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ही आप अपने कार्य करें।